कि कर्नाटक के मंडिया में किस तरह से गणेश विसर्जन यात्रा जो कि शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही होगी, उस दौरान साजिशन पथराव होते हैं, उसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें भी आप देखिए, दहकती आग यहां पर दिखाई दे रही है और यहां तनाव कितना ज्यादा बढ़ जाता है यात्रा पर पथराव के दौरान के बाद, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और ये सिर्फ कर्नाटक के मंडिया से ही नहीं, बीते पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो गणेश चतुर्थी के दौरान कई अलग अलग राज्यों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की क्यों कोशिश हो रही है। गुजरात का सूरत, फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ और अब कर्नाटक का मांड्या। शहर शहर गणेश पूजा पर गदर मचा हुआ है, गणेश पंडालों और यात्रा पर नफरती पत्थर मारे जा रहे हैं। गणेश यात्रा पर पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में लगी आग और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, ये तस्वीरें कर्नाटक की है जहां गणेश यात्रा पर पत्थरबाजी कर हिंसा की आग लगाई गई, नफरती चिंगारी को भड़काने का काम किया गया, जिसके बाद आसपास का इलाका दहल उठा। बद्री कोलपुर गांव के युवक गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे, जब ये यात्रा नागमंगला की मुख्य सड़क पर मौजूद मस्जिद के पास से गुजरी तो मस्जिद के पास से यात्रा पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों समुदाय के बीच झड़प शुरू हो गई। उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन पथराव की घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने मूर्ति रख कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। हिंदू पक्ष का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो, पिछले साल भी इसी दरगाह के सामने दंगा हुआ था, इस दंगे में दरगाह के सामने का हिस्सा ढहा दिया गया था। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया और DNS की धारा 163 लागू कर दी गई। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतलब साफ है कि चाहे राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, नफरती गैंग अपने काम में जुटा है, धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने के काम में जुटा है, हिंदू त्योहारों पर हमले की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन इस नफरती प्लान के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरात का सूरत, जहां पर सबने देखा कि गणेश पंडाल पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए, लोग सड़कों पर उतरकर उस पर विरोध जाहिर करते हुए नजर आए, लोग खासे आक्रोशित थे। हालांकि बड़ी मुश्किल के बाद वहां पर हालात को कंट्रोल किया गया, लेकिन अब ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी देखने को मिली, जहां पर लोग भी काफी नाराज हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वहां पर किस तरीके की घटना हुई है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सूरत में जारी पहरा, अब लखनऊ दहला। सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर विशेष समुदाय की पत्थरबाजी को लेकर लोगों का गुस्सा अभी कम भी नहीं हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शांत फिजा को नफरतियों ने चिंगारी दिखा दी है। यहाँ के चिन्हट इलाके में कुछ पत्थरबाजों ने एक हिंदू घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर पथराव करके आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है। अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे हम, बताइए हमें। आते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। नफरत की ये चोट कितनी करारी है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, लेकिन गणेश पूजा में विघ्न से आहत परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक समुदाय विशेष के लोगों को उनकी आस्था से ऐसी क्या चिढ़ मची कि वो घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पर नफरती पत्थर फेंकने से बाज नहीं आए।
कलश हमारा खंडित कर दिया, हमारी आरती खंडित कर दी, हमारी चार दिन की मेहनत को हमने बर्बाद कर दिया, हमारा दीपक बुझ गया था, यही सब किया, 20 से 25 लोग थे, एकदम से हमला कर दिया, हम बताओ क्या कर सकते हैं। चौरसिया परिवार के मुताबिक उनके घर में गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी करने वालों में 20 से 25 लड़के शामिल थे, जो अचानक बीते रोज उनके घर के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने बेतरतीब तरीके से गणेश प्रतिमा को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें गणेश पूजा की स्थापना के लिए रखा गया कलश खंडित हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अगर घर के लोग गणेश प्रतिमा के सामने खड़े नहीं हुए होते तो पत्थर सीधे गणेश प्रतिमा पर लगता और मूर्ति भी खंडित हो जाती। इतनी तेज पत्थर मारा, मूर्ति पे मारना चाहता लेकिन मेरे पीठ पे लग गया तो मूर्ति पे नहीं लगा, दोबारा उन्होंने उस पे मारा और वो जाते जाते कह रहे हैं गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोगों की आबादी इतनी ज्यादा। इस पूरी घटना की शिकायत मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक मौलाना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राजधानी लखनऊ में आस्था पर किए गए इस चोट के खिलाफ लोग भड़क गए हैं। पूरी तरीके से सरकार का मतलब प्रशासन पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई कर रहा है, हम लोगों को बहुत उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है, प्रशासन जो करेगा उस कार्रवाई पे हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश के सामने आने के बाद हमने मुस्लिम पक्ष से भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन मुद्दा गरमाने के बाद अब विशेष समुदाय के लोग सीधे इस आरोप से मुकरते नजर आए। मूर्ति अपने गुम्बे से तोड़ी ये लोग ने और इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं, उन्हें खुद ही पत्थरबाजी खुद ही गुम्मा लेके मूर्ति पे मारा। वो किसी कोई बदतमीजी अगर किहीन होगा, हम मान रहे बच्चे हैं, बदतमीजी किहीन होगा, लेकिन उसको शॉर्ट निकालना चाहिए, अपने हाथ से इन्होंने मूर्ति ढीले से तोड़ा है। बहरहाल सूरत के बाद राजधानी लखनऊ में गणेश प्रतिमा पर की गई पत्थरबाजी को लेकर लखनऊ का माहौल गर्म हो गया है। देखना यह है कि नफरत के हर वार का हिसाब रखने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी इन पत्थरबाजों का क्या हिसाब करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल के शिमला के संजौली में उस मस्जिद के बारे में जिसको लेकर के विवाद पूरी देश में छाया हुआ है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन के बाद अब व्यापार मंडल ने 10 बजे से लेकर बंद का ऐलान किया है, तो बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया है व्यापार मंडल की ओर से, क्योंकि जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज के बाद व्यापार मंडल आक्रोश में है और विरोध में पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है व्यापार मंडल की ओर से, और इसी के चलते सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। और ये तस्वीरें बीते कल की है, ये विरोध प्रदर्शन कल का है जब शिमला के उस संजौली में स्थित मस्जिद को लेकर के विवाद लगातार हो रहा है और बीते पिछले कई दिनों से ये विवाद हो रहा है कि इस मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाया जाए। हालांकि ये विवाद जो है वो 14 साल पुराना है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से मारपीट के बाद आरोपी उस मस्जिद में जाकर के छिपे थे तब से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और हिंदू संगठन लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। और बीते कल की तस्वीरें भी सामने आई थी जब 11 सितंबर को उस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से कल बैरिकेड प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़ा गया और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई, लाठी चार्ज भी किया गया और आज इन लोगों की तरफ से प्रदर्शनकारियों की तरफ से बाजार बंद का ऐलान किया गया है। आज की स्थिति बनेगी ये भी आपको बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कुल मिलाकर के जो अवैध मस्जिद का निर्माण है उसको ढहाने की मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये जो अवैध निर्माण किया गया है इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर गहराई से मिल रही है जहां पर भेड़िए का आतंक लगातार बरकरार है। आपको बता दें भेड़िए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अब एक बुजुर्ग पर हमला किया गया है, टेपरा गांव का ये मामला जहां पर 50 साल के बुजुर्ग पर हमला हुआ है, बुजुर्ग के चीखने पर परिजनों ने बुजुर्ग की जान बचाई, घायल महिला का बहराइच में इलाज चल रहा है, बहराइच के अस्पताल में रेफर किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बुजुर्ग महिला को 3 जगह से काटा गया है, भेड़िए की तरफ से यह हमला हुआ है। हालांकि बुजुर्ग महिला की जान बचा ली गई है, क्योंकि जैसे ही भेड़िए ने हमला किया बुजुर्ग महिला चीखने चिल्लाने लगी और उसके बाद
जो घर में परिजन मौजूद थे उन्होंने बुजुर्ग के चीखने पर जान बचा ली। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती ये बुजुर्ग महिला 50 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जिस पर भेड़िए ने हमला किया है। बहराइच का टेपरा गांव, बहराइच में सबसे ज्यादा हमले देखने को मिल रहे हैं, जहां बहराइच में एक तरफ 34 से ज्यादा लोगों को जख्मी अब तक किया जा चुका है। एक और महिला का नाम इसमें दर्ज हो गया है। 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन नहीं पकड़ा गया है भेड़ियों का सरदार, लंगड़ा सरदार, जिसको तलाशने की, जिसको पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी भी वो पकड़ से बाहर है। और यही वजह है कि वो लगातार अब और ज्यादा खूंखार हो गया है, अब और ज्यादा आदमखोर हो गया है। लोगों को टारगेट कर रहा है, बुजुर्गों को टारगेट कर रहा है, बच्चों को टारगेट कर रहा है। और अब ये 50 साल की महिला जिस पर हमला किया भेड़िए ने, हालांकि बुजुर्ग महिला की जान बचा ली गई, जान बचा ली गई है इस बुजुर्ग महिला की। लेकिन देखने वाली बात है कि किस तरीके से आदमखोरों के हमले जारी है। और इन्हीं हमलों से बचने के लिए सीतापुर में गणेश और शिव की पूजा अर्चना भी की गई। लोगों ने प्रार्थना की कि उन्हें आतंक से छुटकारा मिले और भगवान उन्हें आदमखोरों के आतंक से मुक्ति दिलाए। और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां गणपति और शिव जी की पूजा की गई है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह के आतंक से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आदमखोर भेड़िए बख्श नहीं रहे किसी को। और 6 में से बस अब एक भेड़िया, जो जंगली भेड़िया है, वो बाकी है, लेकिन वो कुछ इस तरह से बौखला गया, इस तरह से अटैक कर रहा है, लोगों को अपना निशाना बना रहा है कि लोग और भी ज्यादा दहशत में आ चुके हैं और इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान बचा लीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह इलाके में आदमखोरों के आतंक जारी है और उससे उन्हें मुक्ति मिले। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं सीतापुर में।